बाबा जी ने कहा कि तुम हुक्मे अल्लाह के पाबंद हो इश्फाक साहब, फेरे अल्लाह के पाबंद नहीं। जब तुम फेरे अल्लाह में दखल दोगे तो मारे जाओगे। हमारा तो काम ही हुक्म मानना है, फेरे अल्लाह में दखल नहीं देना है। तुम तो को दूर चले गए, फेरे अल्लाह में चले गए, पूछते हो कि ऐसा क्यों होता है। और फिर मेरे लिए हैरानियां जब भी थी अब भी हैं, और ये तजाद पकड़ा नहीं जाता कि एक दाना आप बोते हैं जमीन के अंदर, और मैं कहता था वासा देखिए ये दाना बो दिया, और इतनी सी कोंपल यानी जो पहले निकलती है जिसके साथ अभी कुछ पत्ते जुड़े हुए होते हैं, ये तारक साहब बेहतर समझेंगे कि एग्रीकल्चर से जो नाजुक सी कोंपल निकलती है वो इतनी ताकतवर होती है कि कुर्रा अर्ज को फाड़ के निकलती है, पूरा कुर्रा अर्ज फाड़ देती है, पूरा फाड़ के नर्मो नाजुक कोंपल ऐसा सर सजा के खड़ी होती है। और बारिश का एक नामराद निम्मू चाणा कमजोर तुबका उसको तोड़ देता है। वो जो कुर्रा अर्ज फाड़ के निकली थी ना, जब उसके ऊपर बारिश का निहायत बिलबिला तुबका पड़ता है तो टूट के दो टूटे हो जाते। ये क्यों है? इसी के अंदर ही बंदा फंसा हुआ रहता है। तो आप भी इस पे गौर करें। मैं अक्सर कहा करता हूं अपने बच्चों से कि ये मेरे लिए क्या मुसीबत की चीज है कि मैं एक मोमबत्ती को फूक मार के बुझा देता हूं। डाइकोटमी देखिए तजाद जिंदगी मिला में, एक मोमबत्ती को फूक मार के बुझा देता हूं और उसी भूख से बुझे हुए कोयलों को जला देता हूं। तो जब ये बात समझ में आने लग जाती है ना फकीर के, तो फिर बातें असल समझ में आती हैं, वरना हमारे पास कागज ही कागज, किताब ही किताब रहता है। इसके लिए वाकई मेडिटेट करना और रात के 2 बजे का जो जागना है ना, और ना कुछ बात करना अपने आप से, फिर खुलती जाती हैं चीजें। और जब भी मुश्किल कोई पड़े आपको, बात समझ में ना आए और कोई फकीर आपके करीब हो तो उससे जरूर पूछें, और अगर वो न बोले तब भी उसके पास बैठे, और अगर न बोलने वाला डायलॉग के बगैर, कुछ फकीर डायलॉग के होते हैं वो फिक्रे छोड़ते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं बोलते, न बोलने वाला बोलने वाले से भी ताकतवर होता है। हम आखिरी उम्र में कहते थे, मैं कहा वासिफ साहब आइए मिलकर एक गूंगा पीर तलाश करें, तो हम गूंगे पीर की तलाश में रहे लेकिन गूंगा पीर मिला नहीं, इसलिए कि वही सबसे बड़ा ताकतवर होगा क्योंकि उसके पास एक और तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी। बड़ा बड़ा कुछ ये डिस्कस होता रहा। तो अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। जो वक़्त हमने उनके साथ गुजारा और जो आप लोग अब गुजार रहे हैं उनको ना जानते हुए, ना पहचानते, ना देखे हुए, ये उससे भी कीमती है जो हमने देख कर गुजारा। क्योंकि जरूरी नहीं है देख कर गुजारने वाला आदमी जो है वो बेहतर हो, बरतर हो उससे जिसने ना देखा हो। अबू जहल रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था, उसको कुछ नहीं मिल सका। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।